गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राकेश वर्मा, साइबर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस भोपाल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैकलॉरिन थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट किया था, और उसी सीरीज में आज अपन मैकलॉरिन थ्योरम्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैकलॉरिन का एक क्वेश्चन जरूर सेलेक्ट होता है एग्जाम में, इसलिए अपन को मैकलॉरिन थ्योरम के ऊपर आज फोकस कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स पर फोकस कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सपेंड द फंक्शन ई टू द पावर एक्स बाय मैकलॉरिन थ्योरम। अब हमें ये फंक्शन जो दिया है ये एफ एक्स इज इक्वल टू नहीं दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा नहीं दिया है, केवल एक सिंपल अपने को फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? एक सिंपल फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर। और सपोज यदि हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया होता एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो हम डायरेक्ट फिर क्या लिख देते, वी हैव एफ एक्स, ऐसा हम यदि गिवन है तो ऐसा लिखेंगे, और यदि एफ एक्स इक्वल टू नहीं है तो हम ऐसा, इज दैट क्लियर? एंड वी नो दैट। अब इसके बाद मेंशन करते हैं मैकलॉरिन थ्योरम, दिस इज मैकलॉरिन थ्योरम, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ डबल डैश जीरो दिस एंड शो। आपको मैंने थ्योरम को जब बताया था कि देखिए ये जो एक्स है इसको हर फंक्शन में एक्स को काय से रिप्लेस किया है, जीरो से रिप्लेस किया, तो ये हमने थ्योरम। अब एफ जीरो मतलब ये फंक्शन है, इस एक्स को काय से रिप्लेस करना, जीरो से, ये बात कर रहा है। एफ डैश जीरो मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन और फिर एक्स की वैल्यू जीरो, एफ डबल डैश मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो और फिर एक्स, तो ये कोशिश है और इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली हम जो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का चाहे कितने भी बार डिफरेंशिएशन करो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सेम टर्म आएगी, तो ये देखिए सेम टर्म आएगी, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अब ये तो फार्मूला है, इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना है, तो कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इन इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो दिस वैल्यू विल बी f 0 e की पावर 0 दिस इज 1, ऑल टर्म में ये वैल्यू बन गई, e की पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो दिस विल बी 1। ऑन पुटिंग ये सब वैल्यूज को हम कौन से, ये वाले फार्मूले में रिप्लेस करते, तो इस फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड शुड बी e टू द पावर x, f 0 मींस 1 प्लस x, f डैश 0 इज 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 इज आल्सो 1, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 0 इज आल्सो 1, दिस 1 प्लस x इंटू 1 इज x, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इज दिस। ये फार्मूला होता है e टू द पावर x का, ये फार्मूला e टू द पावर x का फिक्स होता है कि इसमें अपने को करना क्या है, इस फार्मूले के अंदर ये आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला, ये हमने किसके थ्रू निकाल दिया, मैकलॉरिन थ्योरम के थ्रू। सेम a टू द पावर x का भी यही ऐसे फार्मूला होता है जिसको हम मैकलॉरिन थ्योरम अप्लाई करके उसका हम एक्सपोनेंशियल फाइंड कर सकते हैं, चाहे log x की बात हो, चाहे sin x की बात हो, चाहे cos x की बात हो, चाहे tan x की बात हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल टर्म, इनका हम एक्सपोनेंशियल किसके थ्रू निकाल सकते हैं, मैकलॉरिन थ्योरम के थ्रू फाइंड। यदि हमको कोई फार्मूला भूल जाए तो हम उसको अप्लाई करें और निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे अपन फोकस करते हैं, एक्सपेंड द फंक्शन ए टू द पावर एक्स बाय मैकलॉरिन थ्योरम। देखिए इसमें कोई कंडीशन है, हमने पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू ले लिया ए की पावर एक्स, वी नो दैट
एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश जीरो एक्स क्यू अपॉन एफ डबल थ्री एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड शोन ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इक्वेशन। अब आपको करना क्या है इसका सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए ये टर्म कांस्टेंट मिलती है ये देखिए। अब अगला जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है इसका फिर से इतना ही फाइंड होगा तो ये दो बार हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा मतलब स्पेस पर फिर जब थर्ड टाइम करेंगे तो इसका एक बार और मिलेगा तो इसकी पावर थ्री हो जाएगी यहां पर थ्री हो जाएगी ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहेगी। जब हमको ये तीनों टर्म मिल जाएंगी और भी अपन फाइंड कर सकते हैं तो ये आपको मालूम है ये फार्मूला है इसमें आपको कुछ नहीं करना है इक्वेशन वन थ्री फोर फाइव और भी जितनी आप यदि ऐसी आपकी इक्वेशन से निकालते हैं इन सभी इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी जीरो रिप्लेस करनी एक्स की वैल्यू कितनी रिप्लेस करेंगे जीरो रिप्लेस करेंगे तो जब आप जीरो रिप्लेस करोगे तो फिर अपने को वो टर्म मिलती जाएगी क्लियर है। अब आप देखिए यहां पे इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो एफ जीरो इज इक्वल टू ए की पावर जीरो ए की पावर जीरो इज वन जैसे e की पावर किसी भी टर्म की पावर किसी भी टर्म की पावर यदि जीरो है तो दिस विल बी वन दिस विल बी वन एफ डैश जीरो ए की पावर जीरो लॉग ई ए इसकी वैल्यू वन हो जाएगी लॉग ई ए सेम एफ डबल डैश जीरो ए की पावर जीरो इसका स्क्वायर लॉग ई तो ये आप पूरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और लास्ट में इन सब वैल्यू को देखिए मैंने उसमें रिप्लेस कर दिया कौन सी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको रिप्लेस तो हमें ए टू दी पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। सेम आप लोगों को आप लोग ऐसे ही लॉग एक्स का भी कर सकते हो लॉग वन प्लस एक्स का कर सकते हो लॉग वन माइनस एक्स का कर सकते हो साइन एक्स का कर सकते हो कॉस एक्स का कर सकते हो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल टर्म इनवर्स वाले फंक्शन सबका हम एक्सपोनेंशियल मैकलॉरिन थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। तो आज इसके और क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा जो मैंने अभी बताया इसको एक बार पूरे अच्छे से एक बार पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा यहाँ यदि कोई आपको डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिएगा। ओके थैंक यू।